चिड़िया का चंबा जी सब नू पसंद आ रही है। चिड़िया का चंबा देखिया किवें लगी? बहुत सरा लगी, मैं कहना आपी ला रखी है। किवें रही चिड़िया का चंबा? अच्छी, बहुत माइंड। चिड़िया का चंबा जनता एंजॉय कर रही है, किवें लगी? चिड़िया का चंबा असीं मूवी देख के आए हैं। मैनू यह लगता कि हर एक कुड़ी, हर एक मुंडे, हर एक इंसान नू मूवी देखनी चाहिए है। बहुत माइंड ब्लोइंग मूवी है, बहुत अच्छी। कुड़ियों नू सजेस्ट करांगा, पर्सनली कुड़ियों नू सजेस्ट करदा सारे देखण। पर्सनली मतलब हर एक पर्सन नू देखनी चाहिए है। शिवजोत ने बहुत वधिया एक्टिंग की है, ते जेड़े सॉन्ग्स है ते बहुत कैम सॉन्ग। और डाडली दा सॉन्ग एंड ला रखे है गाइस। और चारो ब्यूटीफुल थिंग इज द संदीप बराड से 2-3 नेगेटिव शॉट्स, माइंड ब्लोइंग। जेड़ा चिड़ी दा रोल है, जेड़ा चिड़ी दा रोल है, वो मैन आस चिड़ी दा रोल। थैंक यू सो मच। सो सब की खास तो तन्नू लगया? खास मेनली जो चिड़िया के चंबा जो लड़की के जो भी कुछ हुआ था वो मेनली सरकार के ऊपर जो हो रहा था उसके लिए बहुत ही अच्छा लगा हमें। लगता है जनता नु देख ले, मैं कहना बहुत ही वधिया, हर एक परिवार नु देखनी चाहिए, पारिवारिक मूवी है चिड़िया चंबा। मूवी बहुत घैंट वा, मतलब कि इहदे विच फुल मोटिवेशन आ, मतलब कुड़ियां नु भी आ भी मतलब फुल इंडिपेंडेंट हो गए रहो। बाकी इहदे दे डायलॉग बड़े घैंट घैंट आ, उहदा डायलॉग सब तो घैंट आ, सत कप पाउण दे साथी, सत कप, सत कप चा। सच्ची कहोगे बहुत वधिया मूवी है, बहुत वधिया। मतलब मेनली जिहड़ा कंसैप्ट आ उह कुड़ियां वास्ते हैगा, एंड जो भी चंडीगढ़ दे विच चीज़ां हुंदियां ना मतलब बैकएंड ते आ रही बट फ्रंट ते नहीं दिखाईयां जा रही, वह चीज़ फ्रंट ते दिखाई गई मूवी दे विच। बहुत वधिया मूवी आ, डायरेक्टर ते राइटर दी जिहड़ी कोशिश है कामयाब होई। हाँ बहुत वधिया, मतलब जिहड़ियां चीज़ां फ्रंट ते नहीं आ रही ना बैकएंड ते बहुत कुछ हो रहा, वह चीज़ दिखाई गई आ। किरदार बहुत वधिया, मतलब जो भी एक्टर्स ने जो भी मतलब विलन बने बहुत वधिया, एक्टिंग बहुत वधिया, थिएटर वाले एक्टर सारे। हाँ जी पैसा वसूल हो गया। हाँ बहुत वधिया, मतलब कोई वो नहीं हैगा, बहुत वधिया मूवी है। मैम अज चिड़िया का चंबा असं मूवी देख के आए हैं, बहुत वधिया मूवी रही, ब्लॉकबस्टर मूवी। और मैनू ये लगता कि हर एक कुड़ी, हर एक मुंडे, परिवारक फिल्म हर एक फैमिली नू देखनी चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है। अच्छी कोई सीन जिहड़ा तुहाडे दिल नू पूरा पा गया हो? चार कुड़ियां की एंट्री एंड बिकॉज मेरा किते ना किते जाके एटीट्यूड उही है, और मैं चाहनी हूँ कि हर एक कुड़ी का एटीट्यूड उही होना चाहिए। और प्लस सिमरन कौर डाडली नू मैं बहुत सुनती हूँ, और मेरी फेवरेट का ही सॉन्ग आ गया, बहुत अच्छी मूवी, फिर तो पूरा मतलब इंजॉय एंड बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। मतलब कि मैं खुद एक लड़की हाँ, मतलब जो असी मूवी बुक किया सानू नहीं होप सी कि इन्नी ज़्यादा बेस्ट मूवी होने वाली है। जो असी उत्थे बैठे हर एक कुड़ी की स्टोरी नाल वो रिलेट करती है, चाहे वह कॉलेज च है, चाहे वह वर्किंग वूमेन है, चाहे वह एक वाइफ है, हर एक लेडी की, हर एक गर्ल की, हर एक वूमेन की मतलब स्टोरी नाल रिलेट करती है। और मतलब कि मैं कहनी हूँ कि हर एक कुड़ी, पंजाब की कुड़ी होवे, हरियाणे की कुड़ी होवे, हर एक कुड़ी ने मूवी देखनी चाहिए। जे पंजाब की कुड़ी ने मूवी देख ली ना एक बार, हर कुड़ी घरों जी घर बैठी हो भी बाहर आऊगी। चार कुड़िया उन्हें चार चिड़ियाँ की कहोगे जो चंबे किरदार? उन्होंने जोड़ा किरदार बेस्ट बेस्ट बेस्ट, मतलब एंटरटेनमेंट मूवी भी है पर इस मूवी सीखने नू बहुत ज़्यादा है। जे ये हर एक मुंडा भी देख लेना और कुड़ी की रिस्पैक्ट करूँ, मैनू लगता है मूवी देखने के बाद हर कुड़ी सैल्फ ड्रिवन होगी, हर कुड़ी इंडिपेंडेंट होगी, बाहर निकलूगी कुड़ी, मतलब बेस्ट मूवी। जो डायरेक्टर और राइटर्स की जी कोशिश थी जेदे तो चानण पाउण दी सक्सेसफुल होए ने पूरे, मैं क्या पूरे सफल होए हैगे है। और इदा दियाँ प्लीज़ मैं तो खुद कहूँगी स्टोरीज लिखते रहो, असी आते रहिए, असी चाहे यंगस्टर हाँ पर सानू ना कितने हसी मजाक के नाल इदा दियाँ मूवीज वधिया लगदी हैं। और अफसाना खान ने जिहड़ा इत्थे सोंग आया दे विच बहुत कैंट है, सिमर डाडली ने, सिमरन कौर डाली उसकी आवाज़ ही बहुत कैम है। और शिवजोत की जिहड़ी एक्टिंग है मतलब वो आई थिंक सो पहली बार मूवी च आई है, उन्हां दी जिहड़ी एक्टिंग सी बहुत कैम है, मतलब मैनूं ऐ लग रहा है जब मैं मूवी देख रही थी कि कितने कुछ गलती जी ना हो जाए, मैनूं खुद लग रहा है पर नहीं, उन्होंने एक्टिंग उन्होंने बहुत कैंट की है एक्टिंग, बड़ा हाँ पूरी पैसा वसूल मूवी है। लास्ट से जिहड़ा कई मूवीज़ का हुंदा ना कि जो एंड कर दी है तो वो अच्छा नहीं हुंदा, पर यह मूवी का जिहड़ा क्लाइमैक्स है एंड है बहुत कैम सीगा, मतलब मज़ा आ गया, पूरी सैटिस्फाई हो गया है। चिड़िया का चंबा
मजा आया काफी मूवी देख के और लर्निंग बहुत ज्यादा सी मूवी दे विच के लड़कियां नु बड़ा पुश किया गया सी मूवी दे दौरान के मैं रिकमेंड करूंगा मतलब हर लड़की लिए यह मूवी देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है गी। की खास किरदारां दी गल करिए अमायरा दसूर बॉलीवुड तो सी शरण कौर महनाज मान और किस तरह उन्होंने नेहा और उन्होंने किवें अपने किरदारां मतलब जिदा एक्चुअल दे विच रियलिटी फील हो रहा सी कि मतलब ये मूवी दे दौरान ना बहुत सारिया चीज़ा एवें दियां कि जिवें अपने अगे गुप्त चीज़ा सी जिन्हां नूं अगे पेश किया गया हैगा मतलब रियलिटी सी मतलब मूवी दे विच कुछ फेक नहीं फील हो रहा सी किन्ना टाइम हुंदा एक चीज़ नूं मिथ्या जांदा हैगा बट मूवी एक रियलिटी सी जिच रियलिटी प्रजेंट कर रही सी प्रेजेंट टाइम चल की रहा हैगा ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਈਕ ਫੀਲਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹਰ ਲੜਕੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੂਵੀ ਦਾ ਦੇਖਣ ਮਤਲਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੈਸਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵੀ 'ਚ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਮੂਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਚਾਹੇ ਲੜਕੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਨਸਾਨ ਆ ਇਹ ਮੂਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਨਾ ਮਾਇੰਡ ਬਲੋਇੰਗ ਮੂਵੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਕੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਸੇ ਮਤਲਬ ਮੂਵੀ ਜਬ ਦੇਖੇਂਗੇ ਲੜਕੀਆਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਮੂਵੀਜ਼ ਤੋ ਉਨਕੋ ਔਰ ਕਿਆ ਕਿ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋਗਾ ਉਨਕਾ इस मूवी को देखने के बाद आपको कैसे लगे किरदार कहानी मेरे को तो बहुत मतलब अच्छी लगी कि हाँ ऐसा सीन बताइए जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगा हो जहाँ पे आपको बहुत ही मज़ा आया मेरे को वो सीन अच्छा लगा जब लड़कियाँ ना वो गुंडों को पीटती हैं अच्छे से मतलब उनको सबक सिखाती हैं लगता है कि लड़कियों को ऐसा होना चाहिए डेफिनेटली होना चाहिए क्योंकि अगर ऐसी होगी तो वो किसी भी मुश्किल का जो है सामना कर सकती है कि सोसाइटी में जैसे आजकल लड़कियों का हम देखते हैं आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है और बड़ा दुख भी होता है तो लगता है इस चीज़ की ऐसी कहानियों की ज़रूरत है आप लोगों को सभी को मोटिवेट करने की यस डेफिनेटली मेरे को लगता है कि हर मूवी इसी के रिलेटेड होनी चाहिए जिसके जिसके दायरे में मतलब रह के लड़कियाँ मतलब कि कई लड़कियाँ होती हैं जो सोसाइटी में रहना पसंद करती है बाहर निकलना पसंद नहीं करती सो ये मूवी बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेशनल बहुत ज़्यादा अच्छी है लड़कियों के लिए कि वो एक दायरे से बाहर निकल के सोचें निकल के कैसे सोचना और कैसे अपने आपको मोटिवेट करें फिल्म तो बहुत बढ़िया बनाई गई जी पर जी एक चक सीन मैंने बहुत घंट लग्या और जो गंजे सलवार कुर्ती पाई सी बहुत सराला रखी सी पर एक चीज आई उन्होंने गंजे को पहला नहीं मारा गया वह एंड ते मारता मारने का बुढ़ी ने सी पहले ही मारने दे बहुत घंट हुंदी गल भी है बहुत वधिया लगी हाँ जल्दी आना चाहिए भी जिन्ना जल्दी आ जाए वधिया पार्ट टू जी हम देखने आएंगे बस जल्दी।